होंगे जैसा कि आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक पर आपने बहुत से स्टेटस ऐसे देखे होंगे जिसमें फ़ोटो आपकी होती है और गाने उसमें आपके मनपसंद बजता रहता है। इस तरीके के स्टेटस अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ऐप की मदद लेनी होगी जिसका नाम है काइनमास्टर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारे को क्या करना होगा, जैसे आप इस ऐप पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने प्लस का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से रेशो सिलेक्ट कर लेंगे। तो खासकर उस तरीके के जो स्टेटस होते हैं उसमें 9:16 का रेशो होता है, यहाँ से हम 9:16 का रेशो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे को एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ से हम मीडिया में जाएंगे, यहाँ से एक ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से उसकी लेंथ हम उतनी बड़ी कर लेंगे जितनी बड़ा आप अपना स्टेटस बनाना चाहते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 17 सेकेंड का बना लिया है। इसके बाद आप अपना मनपसंद कोई भी गाना चुनने के लिए यहाँ से ऑडियो में जाएंगे और आपका जो भी गाना आपकी मोबाइल की गैलरी में वो आपके सामने आ जाएगा। तो उनमें से आप कोई सा भी गाना इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी गाने को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, बटन पर क्लिक कर दिया तो अब ये गाना सेलेक्ट हो गया। तो यानी कि 17 सेकेंड बाद अब ये गाना, यहाँ से हम इसको बाकी गाने को हम काट देते हैं। तो अभी 17 सेकंड का जो गाना है वो हमारा सिलेक्ट हो गया है। अब इसके बाद हमारे को लेयर में जाना होगा, यहाँ से हम मीडिया में जाएंगे और उसके बाद आपकी फ़ोटो जहाँ भी है, जो फ़ोटो आप लगाना चाहते हो उस फ़ोटो को आप यहाँ पर उस फोल्डर से जाके उस फ़ोटो को आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि हमने अपनी ये वाली फ़ोटो सिलेक्ट कर ली है, इसके लेंथ को भी हम उतना ही बड़ा कर लेंगे जितनी बड़ी हम अपनी वीडियो को बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ से हम लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से हम डाउनलोड में जाकर हमने यहाँ पर कुछ स्क्रीन रखी हुई है, वो स्क्रीन को भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से ब्लेंडिंग में जाएंगे और इसको हम स्क्रीन कर देंगे। जो ये वाला टेम्पलेट है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ से लेयर में जाएंगे और मीडिया में जाएंगे। इसके बाद डाउनलोड में जाके यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके के जो रनिंग वाले जो ये होती हैं क्रिस्टल्स, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ब्लेंडिंग में जाएंगे और इसको भी हम यहाँ से स्क्रीन कर देंगे। उसके बाद हम लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और डाउनलोड में जाके यहाँ पर हमने म्यूजिक ऑन ऑफ का भी एक PNG बना के रखा हुआ है, तो वो भी हम यहाँ से ले लेंगे। इसको हम ओके कर देंगे और इसकी लेंथ को भी हम लेंथ की उतनी वीडियो के बराबर कर लेंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से लेयर में जाएंगे, ओवरले में जाएंगे और यहाँ पर हमने फ्रेम भी रखा हुआ है तो हम फ्रेम को भी ले लेंगे यहाँ से। अगर आपके पास फ्रेम जैसे डाउनलोड कर लेंगे गेट मोर से तो फ्रेम भी आपको मिल जाएगा। इसको ऐसे उंगली की मदद से हम ऐसे सीधा कर लेंगे। इसके लेंथ को भी हम अपने वीडियो के बराबर कर लेंगे, इसको ओके कर देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से आपके सामने चलने वाला है। तो अब जैसे कि अगर ये बनकर तैयार हो गया है तो यहाँ पर आपके सामने शेयर का ऑप्शन है, शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे और ये आपकी फ़ोन की गैलरी में आ जाएगा और आप इसको जहाँ भी लगाना चाहते हैं वहाँ पर इसे लगा सकते हो यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ सके। धन्यवाद।